इतने जानते हैं कि मोहम्मद को सुन लेना ही कुरान सुन लेना है, मोहम्मद के मुंह से कुरान सुन लेना ही, मोहम्मद के मुंह से कुरान सुन लेना ही अल्लाह के मुंह से कुरान सुन लेना है, यही अव्वल इबादत है और यही आखिर इबादत देखा दे रहा। आज इसके ये सुन लेने से हमारे ऊपर अल्लाह का रहमत नाजिल हो जाएगा। किसी नमाजियों का नमाज में अल्लाह का रहमत नाजिल नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद के कुरान पढ़ने से अल्लाह का रहमत नाजिल हो जाएगा। इसीलिए हमारे साहब हमेशा हर किताब में लिखे वैजा कुरान चुप रहो, पढ़ने का दरकार नहीं है, चुप रहो जी, अनपढ़ हो गलत सलत मत पढ़ो, चुप रहो सुनो, अरे सुन लो फिर याद कर लोगे जी, याद हो जाएगा। मोहम्मद के मुंह इतना ही बरकत है, उसके मजलिस में बैठकर ऐसा ऐसा याद हो ही जाएगा। दरबार का हमारी में बहुत ऐसा मुरीद है जो दरूद शरीफ इतना लंबा चौड़ा नहीं याद कर पाएंगे, ना बंगला जानते हैं, ना हिंदी जानते हैं, ना उर्दू जानते हैं, लेकिन जो मुरीद कामिल मुरीद है वो हजराती दरूद शरीफ बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं। कैसे सीखे जी, कैसे सीखे? आज हम कहते हैं अल्लाह ने आपका रहमत को नाजिल कर दिया, उसको अल्लाह ही सिखाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम बारिक अला अब देखा रसूल करीम रहमते आलमी सफीर मुजब्बी सैयदना व रबी अना व मौलाना व मोहम्मदी व आलिही व बैतिही व औलादिही व ज़ुर्रियातिही व अज़वाजिही व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व रहमत अला सैयदना इब्राहीम व आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। कुछ नहीं जानते लेकिन दरूद शरीफ बहुत आराम से आसानी से पढ़ते हैं जी, ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने उनको मदीना शरीफ से सिखाकर हत्याड़ा शरीफ के मुरीद के दर्जे में बैठा दिया। कैसे ये लोग मुरीद, ये लोग मुरीद जो है काबिल है, ये लोग बंदा जो है कर्म किए गए हैं, इन सब बंदों के ऊपर अल्लाह ने अपना खास कर्म के जो कर दिया है, खास निगाह कर दिया है। इन लजीना तक जो लोग यहूदुना अपनी आवाज को दबा देते हैं, बंद कर देते हैं, तब हमारा आवाज जो है बढ़ना नहीं चाहिए, बंद करो अपना आवाज को, सब किया आवाज बंद करो और अथवा करो आवाज अपनी को और इंद रसूलिल्लाह है नजीर रसूलुल्लाह के और उलाएक लजीना ये लोग वो है तहन अल्लाह के आजमाया अल्लाह ने उलू और उन दिलों उनके को और लिस तक आवाज तो परेगारी से अल्लाह उसके दिल को आजमाया देखे तो इसको हम इल्म दे दिए, इसको हम जुबान भी दे दिए, देखे तो कैसा हो रहा है, लेकिन वो लोग कभी भी अपने मुंह को खोले नहीं और बयान नहीं किए, बल्कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। इस जमाने में अल्लाह ताला जो है खुद ही मोहम्मद की सूरत में आ गया है, ये है आलिमों के इल्म, ये आलिमों के इल्म है जी, ये आलिमों के इल्म दिखाई दे रहा, ये किसी को समझ में नहीं आया, माथा काम नहीं करेगा जी। और लंग वास्ते उन लोगों के उन सब मौलवियों के मत करे तू बख्शिश था जाओ वह अर्जुन अजीब और सवाब बड़ा, वह अर्जुन अजीब और बहुत सवाब बड़ा है जी, सवाब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सबके का लोगों के पास सवाब है। जो मोहम्मद के नजदीक अपने आवाज को बंद कर लेते हैं उन लोगों को अल्लाह ताला नया से कुरान शरीफ सिखाता है। ये तो हुआ अब के मुंह बंद करके रही, अब बारी आया है कुरान सीखने का, बारी अब बारी आया है कुरान सीखने का, कहे कि ला यमसहु इल्ला मुतहररून, नहीं हाथ लगाते कुरान को मगर पाक लोग। पाक कैसे बने, कैसे पाक करें? जो लोग मोहम्मद के ऊपर ईमान आनते हैं और मोहम्मद के हाथों में अपने हाथ देते हैं वो लोग पाक बन जाते हैं और अपने आप ही कुरान सीख जाते हैं, अपने आप ही सीखते हैं, तब जाकर उसका ईमान और नमाज दुरुस्त है, तब जाकर उसका ईमान और नमाज दुरुस्त है। लाया मस्त हो लाया मस्त हो नहीं हाथ लगा के उस मुताबिक मगर पाक लो। यहां तो मस्जिद में कुरान शरीफ रखा कुरान से फट से कुरान शरीफ छू लिए, पाक है क्या? हाथ पानी से हाथ धोने से पाक हो जाता है? दिल कब पाक होगा जी, दिल कब पाक होगा? या अल्लाह ताला जो दिल की पाक की ज्ञान किया लिख तकवा वास्ते परहेजगारी कैसा उलाकर नजीरम तहन अल्लाह हो, ये लोग को जो आजमाया है उलू बहुम दिलो उनके को, उलू बहुम दिलो उनके को लिख तकवा वास्ते परहेजगारी के अल्लाह ताला ने
उन लोगों को कुरान शरीफ सिखलाया और पाक किया। किस दिन सिखलाया है, किस दिन सिखना चाहिए, शुरुआत किस दिन होना चाहिए। ईमानदारों को चाहिए कि शुरुआत 12 रबी अव्वल के दिन से शुरू करें, 12 हयात के दिन से शुरू करें। या यो हल्दी ना आग मनु है लोगों जी ईमान लाए हो, वो आग मनु और ईमान लाओ, और भी कहा ईमान लाए, वो भी 12 हयात के मस्जिद में लाके ईमान लाए। वो अल्लाह जी वही जिसने बाहर से भेजा फिर उन्हीं इन बीच अनपढ़ों में रसूल रसूल बिन उन्हीं में से ये जलू अलैहिम की तिलावत करते हैं ऊपर उनके आया कहीं आयते उनकी अल्लाह आयते उसकी अल्लाह की वह यकीन मोहम्मद पाठ करते हैं वह यू अल्लाह मोहम्मद किताबा वो सिखलाते हैं किताब वह हिक्मा और हिक्मत। तब वो लोग नमाजी भी बन जाते हैं, आबिद भी बन जाते हैं, नमाजी भी बन जाते हैं।